नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं क्या टेलीप्राइम 3.0 के डाटा को आप टैली के ओल्ड वर्जन में चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, सो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि टेलीप्राइम 3.0 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है, और कुछ लोगों ने अपने डाटा को टेलीप्राइम 3.0 में अपग्रेड भी कर लिया है, बट समस्या ये आ रही है कि अब उनको उसके ऊपर वर्किंग करनी नहीं आ रही है, उनकी GST रिटर्न्स में एरर आ रहे हैं, GST रिटर्न एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे तरीके की मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेलीप्राइम 3.0 जो रिलीज है वो बेकार है, नहीं। पर्सनली मैंने उसको यूज़ करा है, बहुत काम का रिलीज है, बट हाँ आपको शुरू में दिक्कत हो रही होगी, सो उसके लिए आप टेलीप्राइम 3.0 को पहले जो है डेमो वर्जन में उसको जरूर आप उसको यूज़ करो, मतलब उसको अलग से डाउनलोड करके उसकी वर्किंग करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जिन्होंने अपने टैली को अपग्रेड कर लिया टेलीप्राइम 3.0 के अंदर, तो क्या वो उसके डाटा को टैली के ओल्ड वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, किसी भी पार्ट को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो। तो सीधा चलते हैं हम टेलीप्राइम 3.0 में। हेल्प के ऊपर मैं आता हूँ और अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा टेलीप्राइम 3.0 मतलब लेटेस्ट रिलीज है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम टेलीप्राइम 3.0 में कोई भी कंपनी बनाते हैं तो वो हमारी 6 डिजिट की कंपनी बनती है। कितने डिजिट की कंपनी बनती है? 6 डिजिट की। उससे पहले टेली ERP 9 या टेलीप्राइम 2.1 तक के रिलीज हों, वहाँ पे हमारी 5 डिजिट की कंपनी बनती है। तो आप ये देख रहे हो माइग्रेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये हमारा ओल्ड डाटा है, और यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा टेलीप्राइम 3.0 का डाटा है। तो ओल्ड डाटा को अगर हमें टेलीप्राइम 3.0 में चलाना है तो हमें पहले करना पड़ेगा माइग्रेट। इसी तरीके से अगर हमें टेलीप्राइम 3.0 के डाटा को अगर हमें नीचे के वर्जन में चलाना है तो हमें करना पड़ेगा उसको डाउनग्रेड, जो कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब टेलीप्राइम 3.0 के डाटा को आप टेलीप्राइम के ओल्ड वर्जन में नहीं चला सकते हो, बट यहाँ पर निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं चला सकते और क्या है पूरा मांजरा, समझते हैं पूरी बात को। तो यहाँ पे एक कंपनी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिक कंपनी लिखी हुई है, इसको हम क्या करते हैं अपग्रेड करते हैं, इसको हम अपग्रेड करते हैं किसके अंदर, टेलीप्राइम 3.0 के अंदर। ये हमारा टेलीप्राइम 2.1 का डाटा है, इसको हम करते हैं टेलीप्राइम 3.0 में अपग्रेड, फिर देखते हैं हम टेलीप्राइम 3.0 के डाटा को कैसे चलाएंगे टेलीप्राइम 2.1 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पे बेसिक कंपनी है, मैं इसके ऊपर एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपसे पूछता है, वैसे तो आपको अगर कोई भी चेंजेस करे तो आपको बैकअप लेना चाहिए, बट चूंकि हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो मैं बैकअप नहीं लूंगा, बट मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा कि आपको बैकअप नहीं लेना। आप बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके और यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन को आप यस कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप टेलीप्राइम 3.0 का डाटा कब चला सकते हो और कौन सा डाटा ओल्ड वर्जन में भी चला सकते हो, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको माइग्रेट, मतलब मैं टेलीप्राइम 2.1 के ओल्डर वर्जन को जो है वो न्यू वर्जन टेलीप्राइम 3.0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने करा माइग्रेट के ऊपर क्लिक, जैसे मैं माइग्रेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा, मेरा मास्टर जो है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा डाटा जो है वो टेलीप्राइम ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में माइग्रेट हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने हो रहा है। और ये डाटा मेरा माइग्रेट हो गया है, जैसा कि यहाँ लिखा रहा है माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं एस्केप की को प्रेस कर दूंगा और मेरा डाटा हो गया माइग्रेट। अब मैं F3 की को प्रेस करता हूँ फॉर सेलेक्ट कंपनी, जैसे ही मैं सेलेक्ट कंपनी को ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरी बेसिक कंपनी है वो भी उठ के ऊपर आ गई है ना, 10013 एक नया फोल्डर मेरा बन गया है, और यहाँ पे अब वो कंपनी नहीं है, मतलब मेरा डाटा वो है माइग्रेट हो चुका है। अब मैं आपको सेम पाथ के अंदर, ये हमारा पाथ है, इसी पाथ के अंदर मैं टेलीप्राइम 2.1 में आपको डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी कंपनी खुली हुई है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अब जो बेसिक नाम की जो कंपनी थी, जो बेसिक नाम की कंपनी थी वो यहाँ से हट चुकी है टेलीप्राइम 2.1 से, और एक अलग सा फोल्डर यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 6 डिजिट के फोल्डर आपको अलग से दिखा रहे हैं, ये सारे 6 डिजिट के फोल्डर हैं, ठीक है। मतलब ये टेलीप्राइम 3.0 का डाटा है जो कि टेलीप्राइम 2.1 में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो केवल फोल्डर लिखा रहा है, यहाँ पे नंबर लिखे नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब ये टेलीप्राइम 3.0 में अगर आपने एक बार डाटा को कन्वर्ट कर दिया तो टेलीप्राइम 2.1 में नहीं चला पाओगे, पर निराश होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इसको आपको टेली की हार्ड डिस्क, मतलब जो मेरा कंप्यूटर है उसकी हार्ड डिस्क में आपको लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे जो हमने 10013 जो हमारी कंपनी थी जो कि 6 डिजिट में कन्वर्ट हुई है, जब वो कन्वर्ट की थी, जब हम टेलीप्राइम के ओल्ड वर्जन से टेलीप्राइम के न्यू वर्जन में डाटा को माइग्रेट करते हैं तो टेली सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट 2 फोल्डर बनाता है, एक फोल्डर बनाता है टेलीप्राइम 2.1 के लिए और एक फोल्डर बनाता है टेलीप्राइम 3.0 के लिए। तो ये वाला फोल्डर जो है वो मेरा है टेलीप्राइम 3.0 के लिए, और ये वाला जो फोल्डर है वो है मेरा टेलीप्राइम 2.1 के लिए।
मतलब मैं अपने डाटा को रिकवर कर सकता हूं दोबारा से, क्योंकि मेरे दो फोल्डर बन गया है और कंडीशन तब थी जबकि मैंने बैकअप को यस नहीं किया था, है ना। अगर हमने बैकअप नहीं भी लिया है तो भी टैली बाय डिफॉल्ट हमें दो फोल्डर बना के दे रही है, एक 6 डिजिट का और एक 5 डिजिट का। 5 डिजिट वाला टैली प्राइम 2.1 के लिए और 6 डिजिट वाला जो है वो टैली प्राइम 3.0 के लिए। तो हमें करना क्या है, अगर मैंने अपना डाटा माइग्रेट कर दिया टैली प्राइम 3.0 में बट फिर भी मैं उस डाटा को टैली प्राइम 2.1 में चलाना चाहता हूँ, तो जो ये मेरा फोल्डर बना होगा इस पाथ के अंदर जहाँ पे कि मेरी कंपनी चल रही थी, उस पाथ में जो मेरा फोल्डर बना होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे रीनेम। तो यहाँ रीनेम पे आके मैं इतने हिस्से को डिलीट कर दूंगा और केवल इसको 5 डिजिट का छोड़ दूंगा। तो अब मेरा एक हो गया 5 डिजिट का डाटा जो कि है 2.1 के लिए, और एक डाटा हो गया मेरा 6 डिजिट का जो कि है 3.0 के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3.0 के लिए, 2.1 के लिए। अब मैं आपको टेलीप्राइम 2.1 ओपन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कंपनी किया, तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिक कंपनी मेरी एज इट इज आ गई है। अब मेरे को माइग्रेशन की रिक्वायर्ड यहाँ पे, मतलब मेरा टेलीप्राइम के ओल्ड वर्जन में भी डाटा चल रहा है। और मैं अगर आपको टेलीप्राइम 3.0 में लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मतलब सिलेक्ट कंपनी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिक कंपनी एक तो मेरी ये रही और एक बेसिक कंपनी यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड के लिए भी आ गया, क्योंकि उसका मैंने पाथ में जो है वो डिजिट को चेंज कर दिया था। तो मतलब मेरी दोनों जगह डाटा चल रहा है। बट यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जिस दिन आप अपने टैली के ओल्ड वर्जन को माइग्रेट करते हो टेलीप्राइम 3.0 में, वो केवल आपको तभी तक का फोल्डर बना के देगा, उसके बाद अगर आप कोई भी एंट्रीज करोगे तो उसको वो आप टेलीप्राइम 2.1 में नहीं चला पाओगे। मेरी बात को द्वार से समझिएगा, अगर आप टेलीप्राइम 2.1 से टेलीप्राइम 3.0 में डाटा को माइग्रेट करते हो तो आपका एक फोल्डर बन जाता है, दो फोल्डर बन जाते हैं, एक 6 डिजिट का टेलीप्राइम 3.0 के लिए और एक 5 डिजिट का टेलीप्राइम 2.1 में। उसके आगे लिखा होता है टू माइग्रेटेड 3.0। आप उस टू माइग्रेटेड 3.0 वाले हिस्से को डिलीट कर दें और 5 डिजिट का उसको बने रहने दें, तो वो डाटा आपका टेलीप्राइम 2.1 में भी एज इट इज चल जाएगा। बट ये डाटा तब तक का होता है जिस दिन आप अपने टेलीप्राइम को कन्वर्ट करते हो, अपग्रेड करते हो टेलीप्राइम 3.0 में। अगर आपने कोई भी एंट्री टेलीप्राइम 3.0 में पास कर दी है तो वो एंट्रीज आपकी टेलीप्राइम 2.1 में नहीं चलेगी। आई होप अब आपके मन के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा, जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिला होगा अभी तक, जिस दिन तक मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, दोबारा से पूरी वीडियो को समअप कर देता हूँ। टेलीप्राइम 3.0 के डाटा को आप टेलीप्राइम 2.1 में बिल्कुल नहीं चला सकते हो, बट जब आप टेलीप्राइम 2.1 के डाटा को 3.0 में अपग्रेड करते हो तो उस समय दो फोल्डर बनते हैं, एक टेलीप्राइम 3.0 के लिए, एक टेलीप्राइम 2.1 के लिए। टेलीप्राइम 2.1 वाले डाटा के फोल्डर को आप रीनेम कर दो, 5 डिजिट का कर दो, तो वो आपका चल जाएगा टेलीप्राइम 2.1 में, बट वो तब तक का डाटा होता है जिस दिन आप अपने टेलीप्राइम को अपग्रेड करते हो। उसके बाद आप जो भी एंट्रीज पास करते हो वो आपकी टेलीप्राइम के ओल्ड वर्जन में नहीं चलेंगी। आई होप आपको आपके सारे जवाबों का आंसर मिल गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बने रहे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।